बीएड वर्सेज बीटीसी को लेकर के आज जो है मामले में सुनवाई हुई है कोर्ट में, और कोर्ट में एक बड़ा फैसला निकल के आ जाता, लेकिन मामला क्या हुआ, क्या सुनवाई हुई और बहस में क्या क्या हुआ, जज साहब ने क्या क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हर राज्यों में मामला जो है बीएड वर्सेज बीटीसी का चल रहा है, ऐसे ही मामला छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है जिसकी सुनवाई आज हुई है। फिलहाल इस मामले में जब सुना गया तो फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया गया, लेकिन अभ्यर्थियों ने ये मांग रखी थी, डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे, कि आज सर फैसला कर दिया जाए, आज जो है अंतिम घड़ी इसका जो है बिता दिया जाए, जो भी मामला है सब कुछ एकदम रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन जज साहब ने इस पर कुछ एक दो शब्द बोलते हुए उन्होंने ये बात कहा कि इस मामले की जो सुनवाई है हम नेक्स्ट डेट पर करेंगे, यानी कि 28 नवंबर 2023 को नेक्स्ट डेट लगा दिया गया है। आपको हम बता दें, क्योंकि मैंने वीडियो डाल के भी बताया था, आप ज़्यादा लोगों को पता भी होगा, छत्तीसगढ़ में बीएड पीआरटी में शामिल हो गया है और इस समय लोग नियुक्ति पत्र पा करके विद्यालयों में इस समय पढ़ा रहे हैं। फिलहाल जो मामला कोर्ट में लगा हुआ था छत्तीसगढ़ में, उस समय जिस समय नियुक्ति होनी थी छत्तीसगढ़ में अध्यापकों की, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की, उस समय डीएलएड के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और छत्तीसगढ़ कोर्ट में जाकर के बिलासपुर में उन्होंने मांग रखी थी कि बीएड को पीआरटी से बाहर किया जाए, क्योंकि कई राज्यों ने बाहर किया, उसी समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया था। तो उसके बावजूद भी बीएड को पीआरटी में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा रखा गया और इस समय नियुक्ति पत्र पाकर लोग पढ़ा भी रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो मामले की सुनवाई है 28 नवंबर को लगाई गई है, तब तक बहुत सारे लोग हो सकता है एक दो दो महीने की सैलरी आ जाए पीआरटी का, और तब जाकर के उनको एक आश्वासन मिल जाएगा आधिकारिक रूप से कि उनकी नियुक्ति जो है पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। फिलहाल अन्य राज्यों में भी इसकी मांग है। वहीं बात करें अगर चंडीगढ़ में सीडीजी जेबीटी की वैकेंसी निकली हुई थी, उसमें फिलहाल बीएड को बाहर किया गया है और उसमें जितने लोगों ने बीएड वालों ने फॉर्म भर दिया था उनका पैसा जो है रिफंड कराया जाएगा। तो फिलहाल अभी यही न्यूज़ थी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से। फिलहाल अन्य राज्यों में भी इसी तरह का होगा, फिलहाल बिहार में भी ज़्यादा चांस है छत्तीसगढ़ की तरह पीआरटी में बीएड को शामिल कर लिया जाए। अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 9 अक्टूबर को आपको पता है डेट लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, बिहार गवर्नमेंट जो है गई है सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर मामले की सुनवाई भी होना शेष है। फिलहाल अभी क्या होगा आने वाला समय बताएगा। बीएड वर्सेज बीटीसी की यही खबर थी, कुछ और आता है नया चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।